मैं डॉक्टर हिमलता काटे, हिंदी विभाग, बड़ा साहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम देखेंगे भाषा विज्ञान के प्रधान अंग, उसमें से भी ध्वनि विज्ञान इस प्रधान अंग का परिचय देख लेंगे। अतः उसकी ओर आने से पहले भाषा विज्ञान के प्रधान अंग बनते कैसे हैं, भाषा विज्ञान के प्रधान अंग क्यों बनाए गए हैं, इसकी थोड़ी सी जानकारी। जैसा कि आपको पता है, ज्ञान एक विशाल भंडार है, अतः अकेला इंसान इस सृष्टि के पूरे ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता। इसीलिए उसने क्या किया है, इस पूरे ज्ञान को विभागों में विभाजित किया है। जैसा कि हमने आपको इसका परिचय दिया था, वह विभाग है, पहला विभाग है प्योर साइंस, सोशल साइंस और मानविकी, और इनके तहत और अन्य विभाग निर्माण होते हैं। क्यों? कारण अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से इंसान ने पूरे ज्ञान को विभाजित किया है। उसी प्रकार भाषा विज्ञान भाषा का गहराई से अध्ययन करता है। अगर उसे भाषा का गहराई से अध्ययन करना है तो उसे भाषा को विभिन्न भागों में, विभिन्न अंगों में विभाजित करना पड़ता है। इसी प्रकार भाषा विज्ञान के जो प्रधान अंग है वह अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से ही बनाए गए हैं। अतः यह अंग कैसे बने हैं, भाषा बनने की प्रक्रिया पर आधारित यह भाषा विज्ञान के प्रधान अंग बने हैं। भाषा कैसे बनती है ये देख लीजिए। पहले आती है ध्वनि, यानी हम उच्चारित करते हैं, उच्चारण। पहले आती है ध्वनि, उसे जिस शाखा में अध्ययन किया जाता है उसे कहा जाता है ध्वनि विज्ञान। दूसरे आते हैं शब्द, ध्वनि के बाद शब्द आते हैं शब्द विज्ञान, शब्द के बाद पद आते हैं पद विज्ञान, पद के बाद वाक्य बनता है वाक्य विज्ञान, और अर्थपूर्ण वाक्य होते हैं क्योंकि सार्थक वाक्यों को ही भाषा में महत्व होता है, इसलिए अर्थ विज्ञान, और अर्थपूर्ण वाक्यों से प्रोक्तियां बनती है प्रोक्ति विज्ञान, और इन सारे प्रक्रिया से बनती है भाषा। यह भाषा के अंग बनते हैं, भाषा बनने की प्रक्रिया है। ध्वनि का उच्चारण होता है, उसका संवहन होता है यानी प्रसरण होता है, उसके बाद शब्द पद वाक्य निर्माण होते हैं, उसको अर्थ प्राप्त होता है, प्रोक्तियां बनती है और भाषा बनती है। इस प्रकार यह भाषा बनने की प्रक्रिया है, इस पर आधारित भाषा के प्रधान, भाषा विज्ञान के प्रधान अंग बने हैं। लेकिन उसमें से भी मूलतः भाषा विज्ञान के चार ही प्रधान अंग है, वो इस प्रकार है ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान। भाषाविद डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने अन्य दो अंगों को इसके साथ जोड़ दिया है, उसमें है शब्द विज्ञान और प्रोक्ति विज्ञान। ध्यान में रखिए मूलतः चार है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने उसके साथ और चार जोड़ दिए हैं। आज इसमें से हम भाषा विज्ञान का जो प्रधान अंग है, सबसे लघुत्तम अंग है, वह है ध्वनि विज्ञान, इसका परिचय देखेंगे। ध्वनि विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, ध्वनि का अर्थ ही है आवाज, इसे हम स्वन भी कहते हैं, स्वन, इसलिए इसे स्वन विज्ञान भी कहते हैं। अंग्रेजी में इसे फोनेटिक्स कहते हैं, फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, इस प्रकार कहा जाता है। परंतु ध्वनि यानी आवाज, यह क्या है, भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई है। ध्यान में रखिए ध्वनि भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई है, कारण इसका पुनः विभाजन आप नहीं कर सकते। अतः भाषा का निर्माण या इन ध्वनि समूहों से होता है, भाषा का निर्माण इन ध्वनि समूहों से होता है, और इसका अध्ययन भाषा विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे कहा जाता है ध्वनि विज्ञान। यानी ध्वनि का अध्ययन करने वाली शाखा, ध्वनि का अध्ययन करने वाला अंग ध्वनि विज्ञान कहलाता है। ध्यान में रखिए वह अध्ययन किस प्रकार करता है, इसकी ही जानकारी हम प्राप्त करेंगे। ध्वनि विज्ञान ध्वनि का अध्ययन करता है, सबसे पहले समूह के रूप में ध्वनि समूह का अध्ययन करता है। इसमें क्या आता है, ध्वनि की परिभाषा आती है,
ध्वनि उत्पन्न करने वाले अंग आते हैं, ध्वनियों का वर्गीकरण आता है, उसका स्वरूप आता है। ध्वनि लहरें किस प्रकार मुख से चलकर दूसरे के कान तक पहुंचती है, उनके द्वारा सुनी जाती है और उनमें विकार पैदा होता है, आदि सारी बातों का समूहों का अध्ययन ध्वनि विज्ञान करता है। अतः यह ध्वनि विज्ञान का एक मार्ग है। और आगे क्या है दूसरा? ध्वनि विज्ञान ध्वनि के अंगों का या उच्चारण के अंगों का भी अध्ययन करता है, जिसे उच्चारण स्थान कहा जाता है, उच्चारण के अंग कहा जाता है, उसे वाग्यंत्र कहा जाता है। ध्वनियों के साथ साथ उच्चारण स्थान का भी अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ध्वनियों का उच्चारण जिन अंगों से होता है उसे कहा जाता है वाग्यंत्र। ध्यान में रखिए, जिन अंगों से उच्चारण करते हैं उसे कहा जाता है वाग्यंत्र। ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत इस वाग्यंत्र की रचना, उसके विभिन्न अंग, उनके कार्य आदि का अध्ययन किया जाता है। वाग्यंत्र के अनेक अंग होते हैं। वाग्यंत्र जिन अवयवों से उच्चारण होता है ध्वनियों का उसे कहा जाता है वाग्यंत्र। इसके अनेक अंग होते हैं, वह देख लीजिए। यह वाग्यंत्र है, यह क्या है? वाग यंत्र है। यह उसे उच्चारण अवयव भी कहते हैं। हमारी ध्वनि हमारे उच्चारण अवयवों से हमें सुनाई देती है, इसका भी अध्ययन ध्वनि विज्ञान में किया जाता है। हम केवल सामान्य जानकारी देंगे, इसका गहराई से अध्ययन करने के लिए अलग रूप से अध्ययन करना पड़ता है। हम केवल ध्वनियाँ किस प्रकार उच्चारित होती है या ध्वनियाँ किस प्रकार सुनाई देती है इसकी सामान्य जानकारी देंगे और यह अवयवों के केवल नामोल्लेख करेंगे। यह नासिका विवर है, नासिका विवर है। और दूसरा होता है मुख विवर। विवर यानी गुहा या खाली जगह कहेंगे। यह नासिका विवर, मुख विवर। हम नासिका से सांस लेते हैं, यह स्वाभाविक मार्ग है, स्वाभाविक कार्य है हमारा सांस लेना। नासिका से हम सांस लेते हैं, यह हमारी सांस नासिका विवर के मार्ग से हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। फेफड़े होते हैं तो हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। वहां पहुंचने के बाद यह सांस शुद्ध होती है और शुद्ध होने के बाद वह पुनः हमारे नासिका विवर से ही बाहर निकलती है। तब यह हमारा यह जो आपको गोल दिखाई देता है वह स्वर ध्वनि यंत्री है, कंठ। यह कंठ होता है, आपको पता है कंठ स्वर ध्वनि यंत्री है, कंठ है। और स्वर यंत्र मुख, यह उसका मुख होता है। यह पर्दे के समान होता है। जब आप सांस लेते हैं तो यह पर्दा खुल जाता है और वह आपकी सांस फेफड़ों में चली जाती है। जब हम बाहर छोड़ते हैं वह पर्दा उतनी तेजी से बंद होता है, उतनी तेजी से आपकी आवाज गले से कंठ से बाहर आती है। ये यंत्र है ना, स्वर ध्वनि यंत्री, उसे कंठ कहा जाता है। ऐसे आपकी आवाज हमें सुनाई, हमारी आवाज में सुनाई देती है। इस प्रकार यह कंठ है, यह प्रमुख अवयव है, यहाँ से आवाज आती है। इसलिए पहला आपका वर्ग है क वर्ग, क ख ग घ, कंठ से निकलने वाली ध्वनियां। बाकी अवयव भी आपकी इस ध्वनि को उच्चारित करने के लिए मदद करती है। केवल नामोल्लेख ध्यान में रखिए, वर्ष्य आपके यहाँ जो तालु होते हैं या दांत होते हैं, दांत के ऊपर का हिस्सा उसे वर्ष्य कहा जाता है। कठोर तालु, जिह्वा, मूर्धा, मूर्धा ट वर्ग के ध्वनियां मूर्धा से आती है। ट तालु के ऊपर की जगह उसे कहा जाता है मूर्धा। तालु से कोमल तालु, तालु से निकलने वाली ध्वनियां जिह्वा, पक्ष, कंठ, नासिका विवर, मुख विवर, अली घंटी यहाँ एक छोटी सी जिह्वा होती है, आपको पता है वह होती है। स्वर यंत्र आवरण, आवरण होता है जब आप सांस लेते हैं या अन्न नलिका से अन्न निगलते हैं तब अन्न श्वास नलिका में न जाए, इसलिए यह स्वर यंत्र आवरण भी होता है। उपाली जीव होता है स्वर यंत्र मुख, भोजन नलिका, स्वर यंत्र ध्वनि यंत्र, जीवा मूल, जीवा मध्य, दांत, ओष्ठ, ओष्ठ से प फ भ, दांत से त थ ध। इस प्रकार हमारी वर्णमाला इस वाग्यंत्र से बनी है, इसका अध्ययन ध्वनि विज्ञान करता है। ध्यान में रखिए, इसके साथ ध्वनि विज्ञान ध्वनि परिवर्तन के कारणों का भी अध्ययन करता है। ध्वनि परिवर्तित होती है,
होती है, उसका रूप कैसा होता है, ध्वनि परिवर्तन की दिशाएं कौन सी हैं, इसका वैज्ञानिक अध्ययन ध्वनि विज्ञान में किया जाता है। उदाहरण देख लीजिए, इसका हमने विस्तार से अध्ययन भाषा परिवर्तन के अंतर्गत देखा है। यहाँ केवल एक उदाहरण, सुनने में अपूर्णता के कारण ध्वनि परिवर्तित होती है। अगर आप राय बरेली ठीक से सुन नहीं सकते तो आप लाइब्रेरी कह सकते हैं। इसके अतिरिक्त ध्वनि विज्ञान में ध्वनि के नियमों का भी अध्ययन किया जाता है। इसके लिए आपको ध्वनि नियम किसे कहते हैं ये पता होना आवश्यक है। आचार्य टकर इसकी परिभाषा इस प्रकार करते हैं, किसी विशिष्ट भाषा की कुछ विशिष्ट काल और विशिष्ट दशाओं में हुए नियमित परिवर्तन को उस भाषा के ध्वनि नियम कहते हैं। यानी किसी विशिष्ट काल में और विशिष्ट दशाओं में जब भाषा में परिवर्तन होता है, नियमित परिवर्तन होता है, तो उसे कहा जाता है ध्वनि नियम। इन नियमों का संबंध किस भाषा से है, किस काल विशेष से है, इनका कार्य किन सीमाओं के भीतर रहकर चलता है, इन सारी बातों का अध्ययन समकालिक ऐतिहासिक तुलनात्मक दृष्टि से ध्वनि विज्ञान करता है। ऐसे अनेक नियम हैं जो ध्वनि के नियम के रूप में जाने जाते हैं, वह ग्रीम नियम, ग्रासमन नियम, वर्नर नियम। ये विद्वान हैं, उनके नाम से ही नियम जाने जाते हैं। हमने यहाँ ग्रीम नियम का उदाहरण दिया है, केवल उदाहरण के लिए इसका गहराई से अध्ययन अलग रूप में करना पड़ता है। ग्रीम नियम भारतीय भाषा के घोष अल्पप्राण, घोष महाप्राण, अघोष अल्पप्राण, अघोष महाप्राण में परिवर्तित होते हैं। घोष अघोष यानी सांस लेने में जब जोर से सांस लेनी पड़ती है, कम सांस लेनी पड़ती है, इस पर आधारित यह वर्णमाला है। इसका भी विस्तार से अध्ययन अलग रूप में करना पड़ता है। हम केवल उदाहरण के रूप में देख रहे हैं। भारतीय भाषा में विधवा शब्द ध है, जर्मन भाषा में विडो बन जाता है, ध का द बन जाता है, और भातृ भ है, जर्मन भाषा में ब्रदर बन जाता है, भ का ब बन जाता है। इस प्रकार वर्ण, हमारे जो वर्ण है, हमारे जो शब्द है, वह परिवर्तित होते हैं। और किस काल में या किस सीमा तक परिवर्तित होते हैं, इसका जो अध्ययन होता है उसे कहा जाता है नियम। इसका भी अध्ययन ध्वनि विज्ञान करता है। इसके अतिरिक्त यह जो भाषा की प्रक्रिया है, भाषा जो पूर्ण रूप या पूर्ण उसका सर्कल पूर्ण होता है, यह किस प्रकार, इसका भी अध्ययन ध्वनि अध्ययन के आधारों के रूप में होता है। उसे ध्वनि विज्ञान अध्ययन के आधार कहा जाता है। वह आधार क्या है? तीन, उच्चारण, प्रसरण, संवहन। इस पर आधारित ध्वनि विज्ञान की तीन शाखाएं बनती है। एक औच्चारणिक ध्वनि विज्ञान, जिसके अंतर्गत उच्चारण की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। संवहनिक या प्रासरणिक ध्वनि विज्ञान, इसके अंतर्गत उच्चारण के फलस्वरूप बनने वाली ध्वनि लहरों का अध्ययन किया जाता है। और यह अध्ययन काइमोग्राफ, स्पेक्ट्रोग्राफ, ऑसिलोग्राफ इन यंत्रों के माध्यम से किया जाता है। अतः ये यंत्र किस प्रकार दिखाई देती है देख लीजिए। काइमोग्राफ इस प्रकार दिखाई देता है यंत्र, एसिलोग्राफ इस प्रकार दिखाई देता है, स्पेक्ट्रोग्राफ इस प्रकार दिखाई देता है। यह ध्वनि लहरों का, ध्वनि तरंगों का, उच्चारण अवयवों का, उच्चारण की प्रक्रियाओं का, संवहन की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। इसके अतिरिक्त और एक आधार है, और एक शाखा है, श्रवणिक ध्वनि विज्ञान, जिसके अंतर्गत श्रवण प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है। यानी पहले ध्वनि उच्चारित होती है, उसका प्रसरण होता है, और उसका फिर उसका श्रवण होता है, तब भाषा की प्रक्रिया पूर्ण होती है। इस प्रकार श्रवण प्रक्रिया का भी अध्ययन ध्वनि विज्ञान में किया जाता है। यह आधार है, प्रसरण, संवहन, श्रवण, यह आधार है। इस पर आधारित ही तीन शाखाएं बनी है, ध्यान में रखिए। इस प्रकार ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत ध्वनि का गहराई से अध्ययन किया जाता है, ध्वनि प्रक्रिया का गहराई से अध्ययन किया जाता है। आपने ध्यान से सुना, इसलिए धन्यवाद।